पाकिस्तान में बाइक से भी ज़्यादा महंगी, गाड़ियों से भी ज़्यादा महंगी है। यहाँ आके मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी छोड़ दी हैं, 6000 कदम तो मेरे चलते ही चलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं होता यहाँ पे। वो नाम देख रहे हैं आप, ये गुरुद्वारा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम है न्यू वीडियो में। तो जैसे कल मैंने बताया कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी किस तरह की लाइफ होती है, कैसे आप ट्रैवल करते हो, कैसे नहीं। और आज थर्सडे, आज मेरी सेकंड क्लास है 1 से लेकर 7 बजे तक। अभी बजे हैं 11 से, फिर हम बस तैयार होकर जाने लगे यूनिवर्सिटी के लिए। फिर यूनिवर्सिटी जाके आपसे मुलाकात होगी। बाकी आज सुबह धूप निकली थी, लेकिन ये है कि दोबारा बादल वाला मौसम हो गया। ये साथ वालों ने अपने कपड़े लटकाए हुए हैं, वो हमारे बूट कल गीले हो गए थे बारिश में, तो हमने सुखाने रखने हुए। बाकी यार देखिए, इलेक्ट्रिक साइकिल अगर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान में बाइक से भी ज़्यादा महंगी, गाड़ियों से भी ज़्यादा महंगी है। ये 1500 pounds में मिलती है एज ए साइकिल, तो ये बहुत महंगी प्राइस है। क्योंकि यहाँ पे इतनी प्राइस में आपको गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उसमें आप 1 साल चला सकते हैं, और उसकी फिर इंश्योरेंस भी कराओ। तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस इतनी पड़ जाती है कि लोग फिर करवाते ही नहीं। बाकी ये आज का मौसम है, बैक यार्ड है हमारी। आज बहुत अच्छा मौसम है, धूप वाला। ये लोग कल भी सर्व कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ये दूसरी मशीन लगी हुई है इनकी, वो दोनों जा रहे हैं हसीबर हो। और मैंने आज बहुत कोशिश की थी कि पैसे चलूँगा, लेकिन ये कि मेरी आदत नहीं है चलने की, तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है। यहाँ आके मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी छोड़ दी हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा भाई कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दे। तो जिस दिन से यहाँ पे यहाँ सिर्फ एक बार कोल्ड ड्रिंक पी थी, वो भी जो पहलवान बिरयानी पे आई थी बिरयानी, उसके बाद नहीं ली। अब वहाँ के चलना पड़ेगा 7 Sisters स्टेशन के पास, फिर वहाँ से हम प्लेटफॉर्म 5 में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म 6 से फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, प्लेटफॉर्म 2, वहाँ से बैकटन वाली ट्रेन में बैठेंगे। वो हमें साइप्रस स्टेशन पे उतारेगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी वाला स्टेशन। अब वो दोनों तो काफ़ी आगे निकल गए हैं, मैं जिस स्पीड से चल सकता हूँ मैं चल रहा हूँ। बाकी ये है, अगर देखा जाए कंपेरिजन में वो दोनों चलने में तेज़ हैं, मैं बाकी चीज़ों में तेज़ हूँ, जैसे खाना जल्दी खा लेना, नहा जल्दी लेना, तैयार जल्दी हो जाना, और असाइनमेंट जो है उसको कैसे जल्दी प्रिपेयर कर लेना, उन चीज़ों में कभी कोई बंदा आ गया। बाकी ये कि मैं पहले तो चलता भी नहीं था, अब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ डेली मिनिमम 6000 कदम तो मेरे चलते ही चलते हैं। बाकी ये कि एवरेजली देखा जाए तो 9000 से 11000 एवरेजली, मैक्सिमम मेरे अभी तक 15000 कदम चले हैं। उस दिन हम बहुत चले थे जब वेयर हाउसेज में गए थे, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। बाकी मैं जल्दी निकलूँ, वहाँ के मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। ये आ गया 7 Sisters स्टेशन, ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन ये है कि ये ट्रेन है, वो ट्रेन जल्दी चली जाती है, सॉरी जो बस है वो लेट हो जाती है। बाकी वो दोस्त लोग वेट कर रहे हैं मेरा। तूफान से पहले वाली साइलेंस थी ये। ये रोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आज धूप आई है, इसलिए मैंने कहा व्यू दिखा दूँ आपको। ये शाम का टाइम है, क्लास ख़त्म हो गया और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये नाइट व्यू है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है वहाँ पे। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है, नीचे शीट बिछती है कि कंक्रीट होते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं होता यहाँ पे। ये लाइब्रेरी से व्यू देखें। अभी हम जाने लगे हैं साउथ हॉल। ये अयाज है, ये जिमी है, और ये लड़की है, ये तो जहर है। ये अयाज इंडिया से है, जिमी जो है वो पीरू से है, जो अमेरिका के पास है, चिली के पास। तो ये बता रहा है हमारे ग्रुप में होगा स्ट्रक्चर के। ये लाइब्रेरी है, अभी हम साउथ हॉल जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या है। ये साइप्रस स्टेशन है जो यूनिवर्सिटी के पास है,
वो हसीब जा रहा है, हसीब घर वापस जा रहा है, मैं और उज़ैर जो है वो अयास के साथ साउथ हॉल जा रहे हैं। अच्छा ये एलिजाबेथ लेन है, ये न्यू बनाई है यहाँ के, वो नाम देख रहे हैं आप, तो ये न्यू वाला एड्रेस्ट है, ये एलिजाबेथ लेन। हम यहाँ वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो आएगी, फिर यहाँ से हम एलिजाबेथ जाएंगे। ये जिमी है, वो नेपाली लड़की है, ये अयाज है, ये उज़ैर और ये मैं। ये हमारी ट्रेन आ गई है एलिजाबेथ लेन। ये गुरुद्वारा है, ये साउथ हॉल हम उतरे हैं अयाज के साथ। यहाँ साउथ हॉल मोस्टली इंडियंस का है और जो ईस्ट वाली साइड है वो सारे ज़्यादातर मुस्लिम्स की है। तो आज ये इसको काम था एक, तो इसको काम था, मैं वैसे ही आ गया एक्सप्लोर करने के लिए, फिर यहाँ से मैं इसके साथ वापस जाऊँगा। वैसे हसीब पूछ रहा था खाने क्या क्या करना है, अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे कोई खाने का अच्छी चीज़ मिली तो खा लेंगे और हसीब के लिए ले जाएंगे, वरना उसको कह देंगे भाई तू वहाँ से खा ले, हम यहाँ पर कोई देखते हैं। यार ये साउथ हॉल है, सारा देख लो आप, यहाँ पे वो रौनक रौनक नहीं है जो आपको मेरी जगह पे पास मिलती है। यहाँ पे ये साहब है कि ज़्यादातर इंडियन मुस्लिम्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इंडिया पाकिस्तान में ही कहीं सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हो। ये जगह देखो, ये बस से तो आप वाकिफ हो, ये हर ये बस का नंबर होता है, गूगल मैप पर नंबर डालो, बस डालो तो आ जाते हैं। ये पीछे अयाज अपने दोस्त से बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, इससे बाद में पूछूंगा कौन सी लैंग्वेज है ये। बाकी यहाँ पे यह कि सुनसान सुनसान एरिया तो है, मैंने तो ये सुना था कि साउथ हॉल जा रहे हैं वहाँ बहुत क्राइम है ये वो, लेकिन अयाज यहाँ पे रह रहा है वो कहते हैं यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है। मसला ये कि जो इस तरह के एरियाज हैं ना यहाँ पे स्नैचिंग का बहुत मसला होता है, मतलब अपने दिहानों फ़ोन यूज़ करके जा रहे, कोई भी छीन के ले जाएगा, तो उसके लिए आपको एहतियात करनी पड़ती है। हालाँकि लंदन इतना एडवांस है, बाकी हम वहाँ जा रहे हैं, ये उज़ैर को काम है। ये साउथ हॉल की मार्केट है, ये साउथ हॉल की मार्केट है सारी। ये वेयर हाउसेस को दुकानों में कन्वर्ट किया हुआ है, इस तरह की फीलिंग है। बाकी ये अयाज है, हेलो अयाज, सलाम अलैकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ये हमारी सेम कोर्स सेम बैच है, तो इसके साथ हम साउथ हॉल आए, ये यहाँ रहता है, इसको जगह का पता है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। बाकी मेरी यूट्यूब है, हाय कहते सबको। हाय एवरीवन। तो कैसा लगा अभी तक लंदन? माशाल्लाह। अच्छा जॉब मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। होल सेल के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं बहुत सस्ती, मैंने माउस ले लिया अपना, जो सामान भी चाहिए था, पेन रजिस्टर वगैरह माउस और सेल सारा मैंने यहाँ से ले लिया। तो क्या अब हम ये साउथ हॉल, यहाँ पे सारी होल सेल की चीज़ें मिलती थी, हम यहाँ से साउथ हॉल जाएंगे, वहाँ से बिरयानी खाएंगे। वो बता रहा है आज के यहाँ पे 3 pound की मिलती है। ये एलिजाबेथ स्टेशन, ये साउथ हॉल से पानी लेके हमने फिर ये वाली डील खाने लगे हैं, चिकन बिरयानी डील 3 pound में। अच्छा हम हमारी यूनिवर्सिटी है राइट साइड पे, सेंटर में हमारा अकोमोडेशन है, और हम वेस्ट साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे आए हुए थे। अब खाना शाना खा के हम वापस जा रहे हैं, साउथ हॉल की मार्केट है ये सारी, जहाँ से लोकल शॉप्स वगैरह सारा कुछ मिलता है, और यहाँ बस का वेट कर रहे हैं हम। मैं मार्केट आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ज़्यादातर सिख हैं, इंडियन हैं सारे हैं। अच्छा तो मैंने आज आपको साउथ हॉल भी दिखा दिया, साउथ हॉल लेफ्ट साइड पे है वहाँ सारे इंडियन हैं, इल्फर्ड राइट साइड पे है वहाँ सारे पाकिस्तानी हैं, और मेरी कॉम्पिटिशन सेंटर में है। तो जाके हालांकि मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैं इसको काम था, इसकी वजह से मैं चला गया, तो मैंने कहा लगूगा लगे हाथ मैं भी विज़िट कर लूँगा। बाकी वहाँ जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ही सब सूरत हाल पता लगी है कि वहाँ पे ज़्यादातर देसी हैं, और हमें देसी लोग ही मना करते हैं कि देसियों के पास काम ना करो, और वो इलाका ही फिर देसियों का है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि जब हम शॉप पे जा रहे थे किसी भी, वो ज़्यादातर लोग कहते कि आप कैश दो। अब दुकानदार अगर आपसे कैश मांग रहा है किसी भी चीज़ ख़रीदने पर, तो अगर हुकूमत से टैक्स बचा रहा है, तो
तो स्टूडेंट को जॉब क्यों देगा वो। तो ये मुझे अंदाज़ा हुआ जाके कि जिस तरह हम जा रहे हैं ये बहुत अच्छा एरिया, सफाई सुथराई, ज़्यादातर अंग्रेज हैं या तुर्किश हैं, बाकी ये एरिया बहुत अच्छा है। ये अभी पुलिस की गाड़ी गई है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।